तो भौतिक विज्ञान की नेक्स्ट वीडियो में आज हम सब लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, हमने बताया भी था पिछले वीडियो में। जब दो आवेश, मान लेंगे एक आवेश क्या है माइनस का क्यों और दूसरा आवेश क्या है प्लस का क्यों, हमने ये भी बताया था चाहे प्लस क्यों इधर रखो चाहे इधर रखो कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रहते हैं और वो अल्प दूरी क्या थी 2L थी। तो ये जो निकाय बन करके तैयार होता है आवेश का, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब क्योंकि इसकी कौन सी स्थिति चाहिए, निरक्ष, ये हमने बताया था द्विध्रुव को जो आवेश को मिलाने वाली रेखा होती है वही इसकी अक्ष होती है, और निरक्ष क्या होती है, ये अगर इसका मध्य बिंदु O है तो निरक्ष हुई इसके लंबवत, अक्ष के लंबवत निरक्ष होती है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और इसी बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्योंकि ये आवेश माइनस का क्यों है, माइनस क्यों आवेश इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो सबसे पहले दूरी क्या होगी वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसका मान कितना है, मान लेंगे E1 है। ठीक है, तो माइनस क्यों जो है बिंदु P पर जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसका मान क्या है, E1 है। ऐसे प्लस का क्यों जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लस का क्यों यहाँ पर जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसका मान कितना है, E2 है। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ये R दूरी है, ये मध्य बिंदु O है अगर जो, तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, तो माना इसे बिंदु A नाम दे सकते हैं, इसे B नाम दे सकते हैं, आसानी होगी। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ठीक है, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यानी O से निरक्ष पर, कहाँ पर, निरक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि आवेश बिंदु P जो है आवेश से कितनी दूरी पर है ये चीज़ें हमको चाहिए। माइनस का क्यों बिंदु P के बीच की दूरी क्या है ये निकालना तो ज़रूरी है। तो स्क्वायर हटाने पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो लंब कितना है मान लेंगे, आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है, एल स्क्वायर। हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं यानी त्रिभुज AOP, हमको कर्ण मिल गया, कितना आया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही आर और एल था तब इतना आया, यहाँ भी क्या है आर और एल है तब भी ये कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी आ जाएगा। यानी माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी उतनी ही है जितनी प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। तो माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू के कारण पी पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या है, E1 बराबर के, हमने ये बताया था कोई आवेश क्यों है जो आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, के इंटू आवेश कितना है क्यों है बटे दूरी कितनी है, आर का स्क्वायर, जो भी दूरी होगी उसका स्क्वायर। तो के आवेश कौन सा है, क्यों है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो।
कोई भी आवेश हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। दूरी कितनी है आवेश की बिंदु P से? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हल करेंगे तो के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, समीकरण नंबर एक। ऐसे ही प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, कहाँ पर? पी पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान हमने क्या दिया है ई टू बराबर के इंटू आवेश। ये देखो प्लस का क्यों है, प्लस क्यों, और दूरी कितनी है बिंदु पी से? वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड के लिए देखेंगे तो जितना वैद्युत क्षेत्र ई वन का मान आया है जितना ही उतना ही ई टू आया है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ई वन बराबर क्या है, ई टू है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे दिशा की, ई वन जो है माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो इसकी ओर होता है, यही तो बताया था, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र पास आता है और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ जाता है, दूर जाता है, प्लस से दूर माइनस के पास। तो ई टू कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ई वन और ई टू के मध्य कोण कितना बन रहा है, तो यहाँ पर ये मान अगर जब हम थीटा दे देंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ये वाला अगर भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर हैं, तो ये वाली भुजा के सामने का कोण कितना है, थीटा है, तो इसके सामने का भी कोण कितना होगा, थीटा होगा, हम पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप, ठीक है। अब अगर इसे तोड़ेंगे ऐसे तो ये एक जेड बन रहा है और जेड बनने के लिए ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे अगर जब तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है और समांतर रेखा है तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण बराबर होता है, संगत कोण, ऐसे ही तो बताया, ठीक है। यहाँ पर ये बन रहा है जेड, तो ये थीटा था तो ये भी क्या है, थीटा। ये वाली रेखा आपस में समान, तो ये एंगल अगर जब थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो टोटल कितना एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, टू थीटा। ये क्या थी, ई टू थी और ये क्या था, ई वन था, ठीक है ना। तो क्योंकि ई वन व ई टू के मध्य कोण कितना है, टू थीटा है, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए, क्योंकि ई वन वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है, तो कोई भी सदिश राशि के लिए परिणामी तीव्रता का फर्स्ट ईयर में हमने इलेवेंथ में जो है एक सूत्र पढ़ा है कि E बराबर हो जाएगा अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस, दोनों के बीच में एंगल टू थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ई वन और ई टू आपस में क्या है, यही तो बताया था, R बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो लिखते हैं अल्फ़ा, यहाँ थीटा, अल्फ़ा का मान कितना है, टू थीटा, टू थीटा। तो ई बराबर सदिश राशि उस पर वेक्टर लगा सकते हैं अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई वन और ई टू बराबर हैं तो ई टू को हम किसके बराबर रख देंगे, ई वन के, तो ई वन स्क्वायर ये भी हो जाएगा, टू ई वन, ई टू की वैल्यू भी ई वन रख देंगे, कॉस टू थीटा, ई वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू ई वन स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ भी कितना रहेगा, टू ई वन गुड़े ई टू ई वन स्क्वायर कॉस टू थीटा। ई वन स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर भी बाहर निकालेंगे कामन, तो ई वन स्क्वायर कामन हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो ई वन ही बचेगा। अब बचा कितना, टू प्लस टू, कॉस टू थीटा का सूत्र होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब अंदर गुणा कराएंगे, जब टू प्लस, अब इसका टू से टू से गुणा कराएंगे तो टू टू या फोर कॉस स्क्वायर थीटा, और टू का माइनस वन से तो माइनस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसिल। अब यहाँ पर बचा कितना, फोर कॉस स्क्वायर थीटा, फोर बाहर आएगा रूट के तो कितना बचा, टू कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो कॉस थीटा। आगे कितना लिखा हुआ था, ई वन, ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। अब ई की वैल्यू रखेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो था ई वन, इंटू टू कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है, आधार बटा कर्ण, लाल बटे कक्का से पढ़ा ना, तो आधार देखो यहाँ पर कितना माना गया था, एल ए है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार, आधार कितना है एल है और कर्ण कितना है ये, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है एल है, कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आगे हम हल करेंगे तो इसे थोड़ा छोटा लिख देंगे, तो के इंटू क्यू का देखो टू का एल से गुणा कराएंगे तो क्यू इंटू टू एल ऊपर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर वन है, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू, तो यहाँ पावर वन है, यहाँ पर वन बाई टू है, तो ये एक है ये आधा है, तो गुड़े में घाते हैं जुड़ती हैं, एक आधा मिल करके डेढ़ यानी तीन बटे दो हो जाएगा। अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, क्यू इंटू टू एल जो होता है वो पी के बराबर होता है, और आर जो है वो ग्रेटर देन है एल के, तो इसलिए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन हो जाएगा एल स्क्वायर, ये भी हमने बताया था पिछले वीडियो में कैसे होता है, ठीक है। आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर जो है बहुत छोटा होगा, तो एल स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, नगण्य यानी जीरो मान लेंगे। तो के इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा पी, और ये कितना हो गया आर स्क्वायर, एल को क्या मान लिया गया जीरो, होल पावर कितनी तीन बटा दो, दो से दो कैंसिल, ई की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू रखेंगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर क्यूब, किसी अन्य माध्यम के लिए हो, निर्वात या वायु में ना हो तो क्या जोड़ देंगे के, अगर वायु या निर्वात की बात की जाएगी तो ये कैपिटल के जो है क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये था सूत्र हमारा, वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म मतलब दो बल लग रहे हैं, आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना, ठीक है, घुमाना बल लगा करके विस्थापन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान क्यों है कि इनकी इनकी दिशा भी समान है और इनकी लंबाई यानी परिमाण भी समान है, ठीक है। यहाँ पर एक द्विध्रुव रखा गया, कितने एंगल पर, एक केस न बना करके हम रख रहे हैं, एक यहाँ थीटा कोण पर ही रखा गया है, ना कि कोई लंबवत या समांतर ऐसे रखा गया। अब क्योंकि हम ये होता क्या है, इसमें जो माइनस क्यों होता है अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में आता है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है उस पर। अब भाई आवेश जो है किसी वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो उस पर क्या लगेगा, बल। अगर आवेश माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, अगर आवेश प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें दो बल लगते हैं, अगर प्लस का है आवेश तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा,
ठीक है ना। अब देखो ये पेन रखा हुआ है, इस पर जो बल है वो इधर लग रहा है, इस पर जो बल है ये इधर लग रहा है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे, रोटेट करा देंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, जैसे माइनस क्यू के या माइनस क्यू पर लगने वाला बल, कितना बल लगेगा माइनस क्यू पर, एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू, यही तो बताया गया था, ई बराबर एक सूत्र बताया गया था एफ अपान क्यू, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एफ बराबर निकालेंगे तो ई क्यू आएगा ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही प्लस क्यू पर जो बल लग रहा है तो एफ यहाँ पर प्लस क्यू लिख देंगे, एफ यहाँ पर माइनस क्यू, ये भी कौन से वैद्युत क्षेत्र में रखा, ई, आवेश कितना है क्यू है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बल सदिश राशि है तो फिर वो माइनस जो होता है वो दिशा में चला जाता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब ध्यान से देखेंगे जितना माइनस वाले पर लग रहा है बल ई क्यू, उतना ही प्लस वाले पर बल लग रहा है ई क्यू, तो दोनों और बल बराबर लग रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रोटेट कर रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। अब क्योंकि एफ माइनस क्यू व एफ प्लस क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। तो क्या उत्पन्न करेंगे, बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, और बल आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, टाउ से, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बलों के मध्य विस्थापन, या दोनों बलों के मध्य, दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लगने वाला बीच की दूरी। ये क्रिया रेखा इस बल की हुई और ये क्रिया रेखा इस बल की हुई, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो यही तो है लंबवत दूरी, ये। अब ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा, क्योंकि समांतर हो गया, तो ये दूरी हम क्या नाम दे दे रहे हैं, डी। इस वाले बल और इस वाले बल के मध्य जो सबसे छोटी दूरी यानी सीधी दूरी, वो विस्थापन होता है, छोटी दूरी विस्थापन होता है, तो बल को एफ से, विस्थापन को डी से लिखा गया। अब इस विस्थापन का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं साइन थीटा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको क्या निकालना है, लंब, और दिया क्या गया है, कर्ण, थीटा के सामने क्या आती है, लंब, समकोण के सामने कर्ण, ये हमको दिया गया है कर्ण, लंब निकालना है, तो साइन थीटा में ही आता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब कितना है, देखो लंब है डी और कर्ण कितना है 2L, तो यहाँ से 2L इधर भेज देंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L साइन थीटा, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो F गुड़ा, F की वैल्यू क्या आई है, F की वैल्यू दोनों भाई बराबर हैं, एक दूसरे के विपरीत समान भी हैं, तो F प्लस का Q जो है वो F माइनस के Q के बराबर है, और दोनों ये किसके बराबर हैं, EQ के, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही क्या मान लेंगे, F, तो ये भी EQ हो जाएगा F, और D की वैल्यू कितनी आई है, 2L साइन थीटा। अगर ध्यान से देखेंगे तो Q इंटू 2L जो होता है वो तो P के बराबर होता है, द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, तो हम इसे लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, ये हो गया बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक है, ये इतना सूत्र लग रहा है बनेगा, ठीक है।
अब बलाघूर्ण भी कौन सी राशि है सदिश, इसकी दिशा माइनस क्यों से प्लस क्यों होती है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र पढ़े हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, अगर साइन है तो क्रॉस, अगर जो कॉस है ए बी कॉस थीटा कहता तो यहाँ पर बिंदु गुणन करते, अदिश गुणन की पहचान है ये कॉस और सदिश गुणन की पहचान है साइन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, ये ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए की जगह पर क्या आया पी और बी की जगह पर क्या आया ई, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया ये। और ये भी क्या हो जाएगा, टाउ के ऊपर भी क्या लगा देंगे वेक्टर, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप, इतना मान आता है, ठीक है। अब इसे घुमाएंगे तो थीटा की वैल्यू है, थीटा क्या है, ये हमारा पी है और ये हमारा ई है, पी और ई के मध्य बना कोण, पी व ई के मध्य का क्या है कोण है। तो यहाँ तक होता है थ्योरी हमारा समाप्त, इतना ही था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे जो है वैद्युत क्षेत्र पर आरोपित या आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे बालाजी प्रकाशन के, ठीक है।